क्या सोच रहे हो जी, तुम्हारा बच्चा मिल गया, हमारा शिव मिल गया, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। चलो ना जल्दी, वो अकेला मासूम डर रहा होगा। चलो जल्दी जाओ, उसे घर लेके आ जाओ। धन्यवाद महादेव। माई, ये लोरी तो आप सिर्फ हमें सुनाते हो, तो फिर इसको क्यों सुना रहे हो? क्योंकि वो गोपी, हमने कहा था ना आपसे कि ये अभी बहुत डरा हुआ है, अकेला है, और जैसे हमने आपको ये गाना सुना के बहादुर बना दिया ना, ऐसे ही हमने सोचा कि हम इसे भी बहादुर बना देते हैं, इसीलिए। और अभी की बिल्ली, ये हमारी माई है, इसे अपनी माई मत समझ लेना, नहीं तो मुक्का मार के चश्मा तोड़ूंगी। गोपी क्या कर रही हो बेटा, पीछे हटो। क्या तरीका है बात करने का? आप इसकी साइड क्यों ले रहे हो? अब तो मेरी माई हो ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मर जाओ। वरना वो खेलने पर अंकल आके मुझे वापस पकड़ लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं आपके साथ, आप डरिए मत। बस एक बार इस बच्चे को इसके माँ बाप के हाथों में सौंप दें, उसके बाद हम अपनी गोपी को तो मना ही लेंगे। ये कौन फोन कर रहा है हमको? हेलो हेलो, हम कांस्टेबल सुबेदा बोल रहे हैं, सहजनवा पुलिस थाने से। क्या मेरी बात कुहू जी से हो रही है? जी कुहू बोल रहे हैं, क्या बात हो गया? ये देखिए, हमें अभी अभी एक औरत की बॉडी मिली है, बेहोशी की हालत में, वो बार बार आप ही का नाम ले रही है, हमें आपका नंबर उन्हीं से मिला है। कोई औरत? हमारी हंसनी जी से तुमने? वो हमारा नाम दे रही है, हमारी हंसनी दीदी ही होगी। कैसी है, कहाँ है हमारी हंसनी दीदी? ठीक तो है ना जी? उनकी हालत बहुत नाजुक है, अभी इलाज चल रहा है। कुछ नहीं होगा उनको, हम कुछ नहीं होने देंगे। मैडम साहिबा, वो हमारी दीदी हैं, आप बताइए ना कहाँ आना है हमको, बताइए ना हमको। ठीक है, मैं आपको इसी नंबर पर थाने का एड्रेस भेजती हूँ, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। जी 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 जी, भोलेनाथ दीदी का रक्षा करना, हमारी अंजलि दीदी का रक्षा करना, बोले ना। सचिनवा पुलिस स्टेशन, कांति रोड। ये देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, गाड़ी आपको पसंद है ना? थैंक यू। एक काम करो, आप ना इससे खेलो, तब तक हम कुछ काम खत्म करके आते हैं। ठीक है, यहीं रहे। बेटा वीडियो गेम खेलेगा? वीडियो गेम ये मस्त वाला वीडियो, ये देख, ये देखो। और चिल्ला बेटा, और चिल्ला, जब तक तेरी बेस्ट फ्रेंड आ ना जाए। बेस्ट फ्रेंड बचाओ। और किसके चिल्लो? ये तो शिव की आवाज है। शिव! ए! काना, इजाड़ो। वरना बच्चे की सच में गला काट दूंगा मैं। नहीं, छोड़ो इसे। इसे छोड़ देंगे मैडम, पहले हमें छोड़ दे, वरना हम दोनों के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चे की जान गंवानी पड़ जाए। नहीं, हम छोड़ते हैं।
को कोई नुकसान मत पहुंचाना, समझे? बच्चे को हमारे हवाले करो, ला दो। अरे हमें निकलने दो, इतनी जल्दी क्या? तुरंत तुरंत देखो, हमने कहा ना बच्चे को हमारे हवाले करो। तुरंत शेफ, बच्चे को नीचे रख, वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ सर, देखिए प्लीज बंदूक नीचे कर लीजिए, ये कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पूरे छोड़ दो सर, रुकिए, आप सब लोग मर जाइए, कितने सारे पुलिस वालों को एक साथ देखिएगा तो कहीं वो बच्चे पे चाकू ना चला दे, कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। आप लोग यही रहिए, हम देखते। इंस्पेक्टर साहिबा, हम बच्चे को जरूर छोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे दो साथी जेल से रिहा होने चाहिए।
जवाब। रुकिए। हे भोले बाबा, हे महादेव, हमें रक्षा कीजिए। तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। एक काम करो, तुम हमारे पास आने की कोशिश करो और हमारे हाथ की रस्सी खोलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आप? हाँ, हम ठीक हैं। चलो, चलिए। हम है ना, हम कुछ करते हैं। बेटा देखो, घबराना मत, डरना मत, हम दोनों है ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। ये भोलेनाथ, आपको होगा, आपका करिए भोलेनाथ। खबरदार, एक और कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे दो साथी यहाँ जेल के अंदर बंद हैं। उन्हें रिहा कर दो तो हम बच्चे की जान को बख्श देंगे, नहीं तो ये बटन दबाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बच्चा का भी गल है आप लोग का। देखो, इस मासूम बच्चे को छोड़ दो। हम तो दुश्मनी है ना तुम्हारी, तो हम से लग दो। छोटे से मासूम बच्चे की जान लेने पे क्यों तुले हुए हो? क्या मिलेगा तुम्हें? आजादी मिलेगा हमें, आजादी। वो चाहिए। चलो, अपने पुलिस ऑफिसर को फोन करो और बोलो कि आप मेरे दोनों साथियों को यहाँ रिहा करके लाने के लिए। चलो जल्दी करो, नहीं तो सब के सब हम साथ में मरेंगे। समझ गए ना आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बच्चे को खुश मत करना, हम फोन करते हैं। गलत बात, अपराधियों का साथ देना सही नहीं, ये आप गलत कर रही है, आप गलत कर रही हम कह रहे हैं। बात को समझो, अभी बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है, अपराधियों को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप जैसा कहेंगे। हेलो सर, सब बच्चे की जान खतरे में है, आप इन लोगों के साथियों को जल्दी छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए इनके दोनों साथियों को सर, अभी के अभी। ओके सर, तुम्हारे साथियों को छोड़ रहे हैं। बॉस, ये सच कह रही है का?
तुम्हारे सामने तो फोन किया है हमने। सर सर ने कहा है कि तुम्हारे दोनों साथियों को वो अभी के अभी रिहा कर रहे। दोनों को मिले भगत तो नहीं है ना? अरे झूठ थोड़ी बोल रही है। अरे पुलिस, हमारे साथी कहाँ है? धोखा मारो। मासूम बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ करके शर्म नहीं आई तुम्हें? सर, आप इन सबको लेकर जाइए, हम यहाँ संभालते हैं। भी मैं डिफ्यूज वाले को भिजवाता हूँ। हाँ। मुझे डर लग रहा है, हम मरना नहीं चाहते। बेटा रो मत, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब आप दोनों है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बाबू आप बताए नहीं कि सब लोग आपको प्यार से कौन सा नाम से बुलाते हैं? शिव। शिव? अरे बाप रे, डॉक्टर भोलेनाथ। अरे वाह, एकदम भोलेनाथ जैसे, जिसके नाम में भोले उसको कोई बाल भी बापा नहीं कह सकता है ना। तो काहे डर रहे आप, एकदम साक्षात नीलकंठ, साक्षात भोले बाबा, भोलेनाथ। हर हर महादेव। बम डिफ्यूज हो। सब ठीक है ना? हाँ। आपको सब ठीक हो गया ना? हाँ। कुछ नहीं हुआ आपको, हमने कहा था ना आपसे हम कुछ नहीं होने देंगे। बाबू आपका बच्चा है का? ये सब छोड़ो ना, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अगर तुम सही समय पर नहीं आती ना, तो हम इतना सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाते। अरे आप बेकारे का हमारा तारीफ कर रही, बहादुर तो आप हैं। लेकिन सच कहे, आप जैसे महिला को देख के ना, हम जैसे आम जनता को ना बहुत बहुत हिम्मत मिलता है। आप मिसाल है, मतलब बेमिसाल है। आपको देख के ना, जय हिंद। जय हिंद। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो हमने यहाँ आसपास तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ मैं, हम कुछ हम बताए थे, लेकिन आप बाबू के चक्कर में थोड़ा परेशान थे, तो आपके थाने से नाम का फोन आया था। हमारी बहन के बारे में कोई खबर मिला था आप लोग को। तुम्हारी बहन? हाँ। लेकिन ऐसी किसी औरत के बारे में हमारे थाने में तो कोई खबर नहीं आई, ना ही कोई खबर हम तक पहुँची। हो सकता है किसी दूसरे थाने में आई हो ये खबर। हाँ माने, हम सच्चे कहा गए? नहीं हो, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, तुम गलत जगह नहीं, बिल्कुल सही जगह आई हो। हमने कहा ना कि अगर तुम नहीं होती तो फिर हम उन गुंडों से इस बच्चे को कैसे बचा पाते। और वैसे भी जो जहाँ जाता है ना, वो महादेव की मर्जी से ही तो जाता है, उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तुम सही समय पर सही जगह आई हो। और अगर
तुमने हमारी मदद की है ना, आज तो महादेव करे कि हम भी तुम्हारी मदद करें, हमें भी मौका मिले तुम्हारी मदद करने का। आप बहुत अच्छी है। ठीक है, हम जाते हैं, हमको हमारी अंशली दीदी को ढूंढ रहे। तो भी आपको समय मिले ना, तो हमारे गांव हमारे घर आइए, तो बाबू को लेकर। ख्याल रखिएगा। सुनो महादेव है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और हाँ, भगवान ना करे कि कभी तुम्हें पुलिस वाले की जरूरत पड़े, हमारी मदद लेने की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ फिर भी अगर तुम कभी भी किसी भी दिक्कत में होना, कोई परेशानी है, तो हमें एक फोन करना, बस हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। जी शुक्रिया। हाँ, अपना ख्याल। हाँ, आप भी, हम चाहते हैं।